हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। आज हम राजस्थान की पारंपरिक मक्के के ढोकले, दाल और ग्रीन चटनी बनाएंगे। ठंडी का मौसम हो या बारिश का मौसम, गर्मा गर्म खाने की मजा ही कुछ और है। मक्के के ढोकले आप नाश्ते में तड़का लगा के भी सर्व कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल ली है, इसे बाउल में डाल देंगे। एक टेबल स्पून चना दाल, पानी डाल के 3 से 4 बार अच्छे से इसे धो लेंगे। पानी डाल के 15 मिनट के लिए दाल को भिगो के रखेंगे। इसे ज्यादा दाल को हमें भिगो के नहीं रखना है। दाल बनाने के लिए कुकर में 1 से 1.5 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, 1 तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 2 पिंच हींग, बारीक चॉप की हुई 4 से 5 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। लहसुन थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। भिगोई हुई मूंग दाल में से मैंने पानी निकाल दिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। इस दाल में आपको प्याज डालना है तो प्याज भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। 1.5 कप पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी तक कुक करेंगे। ढोकला बनाने के लिए 1 कप मक्के का आटा लिया है, इसे छन्नी में डाल के छान लेंगे। इस तरह से दबा के अच्छे से इसे छान लेना है। ये जो मक्के का छिलका रह जाता है इसे हम निकाल देंगे। 1/2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। ढोकला में डालने के लिए फ्रेश मसाला रेडी करेंगे, तो 5 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है, इसे खरल दस्ते में डाल देंगे। हरी मिर्ची को मैंने चॉप करके डाल दी है, इसे दरदरा कूटेंगे। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मैंने दरदरा कूट लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया को दरदरा कूट लिया है, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून नमक है, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, खाने का सोडा लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। 2 टेबल स्पून मूंगफली का तेल डालेंगे, ये आपके पास नहीं है तो नॉर्मल तेल डाल सकते हैं। 1 कप बारीक कटी हुई फ्रेश मेथी के पत्ते लिए हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल सकते हैं और 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट के लिया है। 1/2 कप दही डालेंगे। दही डालने से ढोकला एकदम सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वाले कप में ही 1/2 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के डो बनाएंगे। मीडियम सॉफ्ट डो बना के रेडी किया है। 1 टीस्पून तेल डाल के इसे चिकना करेंगे। ढक्कन लगा के 10 मिनट रेस्ट देंगे। दाल का कुकर ठंडा हो गया है तो खोल के देख लेंगे। दाल अच्छे से कुक हो गई है, गैस चालू करेंगे। दाल को इस तरह से थोड़ा घोट लेंगे। 1 कप पानी डालेंगे, 1/4 कप पानी और डालेंगे। दाल आपको कितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे और 2 मिनट के लिए दाल को उबालेंगे। दाल पे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप पहले टेस्ट कर लेना फिर नमक डालना। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से चला लेंगे, गैस ऑफ करेंगे। दाल बन के रेडी हो गई है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे। अभी हम इसका ढोकला बनाएंगे। इतनी बड़ी साइज की लोई बनाएंगे, इस तरह से चपटा करेंगे और बीच में एक होल बनाएंगे। ढोकला को थोड़ा सा चपटा करना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, इस तरह से। अगर आटा हाथ में चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के आप ढोकला बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे तो आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और एकदम आसानी से ढोकला बन के रेडी होगा।
इस तरह से सभी ढोकला बना के रेडी करेंगे। ढोकला को स्टीम करने के लिए इडली का स्टैंड लिया है, इसे तेल से थोड़ा ग्रीस करेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे ग्रीस कर लेना है तो ढोकला आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। इसमें ये ढोकला रख देंगे, इडली के साइज का ही ढोकला हमने बनाया है। स्टीमर को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है, यह अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें ये स्टैंड रख देंगे। इतने आटे में से 10 ढोकला बनके रेडी होगा। स्टीमर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए मिक्सी जार में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, आधी टीस्पून सौंफ। इसे थोड़ा पहले ग्राइंड करेंगे। जीरा और सौंफ को दरदरा ग्राइंड किया है, इसमें आधी टीस्पून नमक डालेंगे, 5 लहसुन की कली, 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1 कप हरा धनिया डालेंगे, 1/4 कप पुदीने के पत्ते डालेंगे। 1/4 कप हरा धनिया की डंडी को चॉप करके लिया है, आधा नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबलस्पून फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। फ्रिज का ठंडा पानी डालने से चटनी का कलर एकदम हरा रहेगा। चटनी को ग्राइंड करके रेडी कर दिया है और इस तरह की थोड़ी सी दरदरी ग्राइंड करनी है। ढोकला को स्टीम होते हुए 15 मिनट हो गई है, वुडन स्टिक डाल के देख लेंगे। ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया है, गैस ऑफ करेंगे और स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर स्टैंड में से बाहर निकालेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसे हाथ से इस तरह से अनमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से ये निकल जाता है स्टैंड में से। गर्मा गर्म ढोकला के ऊपर देसी घी डालेंगे। घी को मैंने थोड़ा मेल्ट करके लिया है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो बिना घी के भी इसे खा सकते हैं। मक्के के ढोकले, दाल और ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। साथ में मैंने प्याज की स्लाइस सर्व की है। ढोकला एकदम सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।